Why do you get scared? He's holding that, don't worry. अच्छा लग रहा है काफी, मतलब एकदम heavy scooter है ये. Looks like a bike ना. ऐसा शोल्डर थपथपाने को मन करता है जब ड्रायर यूज करता हूँ बारिश में, तो क्या डिसीजन है. नहीं, बारिश बिल्कुल भी रुकी नहीं है, उल्टा आज बारिश और तेज आ रही है. अभी थोड़ी कम हुई है लेकिन बहुत भयंकर बारिश आ रही थी. थैंक गॉड मैंने अपना वेन्यू को वाइपर कल ही चेंज करा दिया था, क्योंकि वाइपर वो थोड़ा सा फट गया था तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा था. वो बारिश में बहुत जरूरी चीज रहती. हमारी बेटी सोई, कितना सोई है? बॉस 10-12 घंटा सोई है, पूरे दिन यही कर रही है. अभी कल हमने इसको डर सिखाया, आज इसको पावर मालूम पड़ गया इसकी, इसमें पावर है. ता 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 ता. आस्क यू डू हैव टू से एनीथिंग नाउ, यू आर क्वाइट व्हेन वी कम्युनिकेट विद यू. ओए चमाटी मारी मेरे को. तो एक बहुत ही जेन्युइन कमेंट लिखा था मैंने, निखिल भाई आप पे सब सूट होता है, बस आपकी गाड़ी सूट नहीं होती. आई थिंक यू शुड गेट अ जी वैगन. ऑल्दो जी वैगन इज अ सुपर कार, अमेजिंग कार, बट मुझे जी वैगन एक्चुअली इतनी पसंद नहीं है. मुझे नहीं अच्छा लगता वो गाड़ी. इनफैक्ट मर्सिडीज की GLS और Maybach, दैट्स माई फेवरेट कार, और BMW की X7. और सच बोलूँ जो भी लेटेस्ट स्कॉर्पियो आई ना, वो भी मुझे एकदम चुम्मा लगी. मुझे लेना होता ना तो एक बार मेरा मन में वो भी आया था कि भाई एक बार जाके महिंद्रा में जाके उसको बुक कर लो. आई थिंक कुछ 20,000 बुकिंग अमाउंट. इट्स अ गुड कार, बिग डैडी ऑफ SUV है कि नहीं, बट इट्स एक्चुअली वेरी गुड कार. हैट्स ऑफ टू महिंद्रा फॉर द अमेजिंग प्रमोशन. यस, टाटा इज ऑल्सो अमेजिंग. अभी आते हैं स्ट्रेट टू द पॉइंट. मैंने एक गाड़ी बुक की थी जो कि आपने वीडियो में देखा था, वाज नॉट अ प्रैंक, दैट वाज रियली आई बुक द कार. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो गाड़ी है वो बहुत डिले चल रही है. इनफैक्ट शायद एक साल के ऊपर लग जाएगा उसको आने के लिए. मैंने बहुत इधर उधर फ़ोन लगाया, पूरा अपना पोजीशन का फ़ायदा उठा के इससे बात की उससे बात की, लेकिन जल्दी में जल्दी भी वो गाड़ी नहीं आ रही है. मुझे प्रॉबेबली दिसंबर तक शायद जल्द, वो भी कोई 100% नहीं बोल रहा, वेट करना पड़ेगा या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा. एंड उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा एंड बहुत सारा तामझाम है. देन आई वॉज लाइक यू नो व्हाट, गलती कर दी मैंने काइंड ऑफ वो गाड़ी बुक करके. इससे बेटर है कि मैं गाड़ी बुक ही नहीं करता, Q7 बेचता भी नहीं. तो पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में जेन्युइनली तीन चीज़ आ रही है. एक, मैं गाड़ी कैंसिल कर दूँ जो बुक की है. दूसरी, इज देर एनी पॉइंट टू इन्वेस्ट इन अ डेप्रिशिएटिंग एसेट? दैट्स द होल पॉइंट कि मैंने Q7 जो सेकंड हैंड ली थी, बिकॉज मुझे न्यू गाड़ी नहीं लेनी थी. उसका जो डेप्रिशिएट होती है ना, बड़ा बुरा लगता है. हालांकि टैक्स में बेनिफिट मिलता है. अब आप लोग बोलोगे अगर कैंसिल ही करना है तो बुक क्यों की, वेट कर ले, क्या फर्क पड़ता है, Q7 इतनी जल्दी क्यों पूछी. जेन्युइन क्वेश्चन है जो मेरे और शैनिस के बीच में पूरा डिस्कस हुआ था. एक्चुअली जो मर्सिडीज बुक करने का रीजन ये था कि जब मैं अपना मामा का इवेंट से बाहर निकल रहा था और रणवीर सिंह जो अपनी Maybach में आया था ना, वो देख के उधर ही मैं फ्लैट हो गया था मर्सिडीज गाड़ी पर. मैंने बोला भाई Maybach नहीं तो एटलीस्ट ये ना, भी लगा जब वो भूत उतरा कि भाई जो जोश में गलती कर दी, इंसान को गलती होती है, लेकिन ऊपर वाला अपने साथ है, लक अपने साथ है, गाड़ी डिले हो गई. तो सोच रहा हूँ मैं, दिमाग में अभी भी आ रहा है मेरा कि भाई मैं उसको बुकिंग है ना कैंसिल कर दूँ. अब गाड़ी का क्या, गाड़ी का भी सोच लिया, बिकॉज ये आज डिसाइड नहीं किया, ये पिछले कुछ हफ्तों से डिसीजन चल रहा है. अरे हाँ बाबा, डैडा के आगे भी कुछ बोल, मम्मा बोल, मम्मा कि तू क्या करना चाहिए, गाड़ी कैंसिल या लेना चाहिए, देखती है सा कैंसिल. तो ये ऐसा चीज़ है. खैर अभी बड़ी बड़ी गाड़ियों का सोच बाजू में रखते हैं. फिलहाल जो स्कूटर का बोल रहा था, तो मैंने दो स्कूटर जो है मेरा दिमाग में फाइनल हुआ था. एक था वेस्पा, दूसरा था एप्रिलिया. एप्रिलिया 160 कुछ तो है. तो अभी फॉर्चुनेटली दोनों शोरूम एक जगह पे घाटकोपर में, तो मैं और शानिज अभी वहीं पर जा रहे हैं देखने के लिए. मुझे एप्रिलिया बड़ी पसंद आई है, बिकॉज वो बड़ी भी है, पावरफुल भी है और कंफर्टेबल भी, ऐसा सुना है. तो अभी रियलिटी में आके देखते क्या बोलती है किटू, वरना सीधा इलेक्ट्रिक है ना. मैं कैमरे में छोटा देखता हूँ साइज में, ये कैमरे में बड़ी दिखती है साइज में, जबकि है इतनी सी. एकदम मोटे वाले वाइपर ब्लेड्स डाल दिए जैसे वो बड़ी बड़ी गाड़ी में होते हैं ना, वो जरूरी रहता है, बिकॉज वो पतले वाइपर ब्लेड्स ना वो जल्दी खराब हो जाते हैं. सॉरी स्पेशली वो अगर आपकी गाड़ी बाहर धूप में खड़ी हो तो ये काम अभी अच्छा साफ हो जाएगा. वैसे भी जैसे हम निकलने गए, बारिश थोड़ी बंद हुई है, कम हुई, मुझे नहीं पता, बट वो आ जाएगी. फॉरकास्ट बोलता है 100% रेन, मतलब इट विल रेन 100% फॉर श्योर. अभी हम जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं घाटकोपर. वेस्पा और एप्रिला आजू बाजू है. शानिस बोलती है एप्रिला क्यों, वेस्पा क्यों नहीं वाला. मुझे वेस्पा बहुत पसंद है, मुझे वेस्पा बहुत अच्छी लगती है, मुझे लुक्स वेरी नाइस. यार सोनन बाजी का है ना ब्लू वाली, बिल्कुल भी आईडिया नहीं वो कैसे चलती है. पर अच्छा स्कूटर है रे, वो मोटरसाइकिल थोड़ी है, वो नॉर्मल स्कूटर चलता है, गियर नहीं बदलने का. किसी में USB होता है, किसी में USB नहीं होता है, किसी में फुल पे हेलमेट फिट होता है, किसी में नहीं होता है. ठीक है इतना डिटेल, माइलेज रहता है, टैंक रहता है, वो छोटी मोटी चीजें देखने की रहती है, अपने को एस्थेटिक्स देखने का बस. करेक्ट, सही बोला कि नहीं बोला, बोला कि नहीं बोला सही, जस्ट से यस और नो. तो डैडी की गर्ल है, डैडीज गर्ल है, सब में हां हां बोलती डैडी का. चलो भाई देरी नहीं करते, डैडा कर लेगा, मम्मा इज मेंटल, यस.
पर हम नया वाइपर यूज करते हैं। ओहो, कोई पीछे से नहीं डालो गाड़ी में, उसको यूज करने में कितना मजा आता है। सिर्फ तू ही ये सब चीजों से ऑब्सेस्ड हो सकता है। अरे बट कोई भी जो गाड़ी चलाता है, जब अपना वाइपर चेंज करते हो, साबुन आता है और मस्त वाइपर पूरा कांच को नया कर देता है, कैसा लगता है? वाह शानी, देख साबुन निकल रहा है वाइपर से, कितना साफ हो गया। देख ये देख, फुल ऑडियंस साफ तो हो। पहुंच तो गए हैं यहाँ पे, लेकिन गाड़ी कहाँ डाले वही सोच रहे हैं। जस्ट सामने पार्किंग में मिल गई, सही आगे से घुमा के निकल जाएंगे। और ये है वेस्पा एन एप्रिलिया, और जगह का नाम इटालिया। हाँ रुक जाओ, मैं नजदीक आता हूँ, लॉक कर। अरे बैठना, बोलती डर रही। अरे बैठ के देखना, अरे बैठना, चलाना थोड़ी बोल रहा है यार, ऐसा क्या डरती है तू? व्हाई डू गेट स्कैर्ड? ही इज होल्डिंग नॉट, डोंट वरी, यू लुक नाइस, वेरी नाइस। तू कुछ बोलना, तू बोल। अच्छा लग रहा है काफी, मतलब एकदम हैवी स्कूटर है ये, लुक्स लाइक अ बाइक ना। अभी खोल के देखा, इसके अंदर लाइट भी आती है, क्या पता मैं आउटडेटेड हूँ, ये सब चीज होने लगी। देख शायद लाइट भी है, बूट भी अच्छा है। सो गाइस डन डील हो गई, हमने एक स्कूटर जो इनमें से बुक कर दिया है, वो वेस्पा है, एप्रिलिया है, 125 160, कौन सा है बाद में मालूम पड़ेगा, है ना। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू अस कि हमने आज फाइनली एक स्कूटर बुक कर दिया और आपको दिखा भी दिया। तो गाड़ी कैंसिल हो गई, बोलते ना जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। गाड़ी कैंसिल हुई नहीं है, होगी होपफुली, कुछ अगर चमत्कार होगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगी। बट फिलहाल तो हम इसी पे हैं कि कैंसिल नहीं करें, मतलब कैंसिलेशन का प्लान कैंसिल हो जाएगा वैसा चीज़। बट लेट्स सी, लेट्स सी। कायो आशीर्वाद दे। अभी बुकिंग की खुशी में हम वड़ा पाव ले रहे हैं, मेरा 16 घंटे का फास्ट जस्ट एंड हुआ, तो मैं बोला चलो भाई वड़ा पाव से शुरुआत करते हैं। हालांकि वड़ा पाव शुरुआत नहीं करनी चाहिए, प्रोटीन शेक से करनी चाहिए, बट गाड़ी में बैठे और ये देखो आपको दिख रहा है बारिश में चलता है पूरा लाल लाल, हाँ तो चलता है, अच्छा खाएंगे भाई साहब। क्या चुम्बेश्वर वड़ा पाव था, खा के मजा आ गई भाई। दो वड़ा पाव खाया, चार लिया था। मारवे रोड में बहुत अच्छा मिलता है, मारवे बीच में लाड। शानिस जब देखो मारवे का बेस्ट है, मारवे का बेस्ट है। मैं और शानिस इतना टाइम साथ में थे, कभी मारवे का वड़ा पाव खाया है रे तूने? खाया मैंने। हाँ तेरे को याद नहीं, तेरे को कुछ याद रहता है क्या? तेरे कल परसों क्या खाया उसका भी टेस्ट नहीं याद है। चल ठीक है, मारवे रोड पे फिर जाके खा लेंगे, अभी मौका मिलेगा तो। क्या बोलते हैं, नया स्कूटर आएगा उसके बाद जब बारिश जिस दिन नहीं होगी तभी, अभी फिलहाल तो मस्त हो रही है बारिश। अपना नया वाइपर एक नंबर काम कर रहा है। क्विक कॉफी ब्रेक, और शानिस का दो वड़ा पाव, शानिस दोनों ने खाया, मुझे एक दे दिया, तो मैंने टोटल 3 वड़ा पाव खा लिए। तो नो डिनर फॉर मी, लेट डिनर फॉर मी, हल्का फुल्का खाऊंगा। ओके गूगल, टर्न ऑफ द टेलीविजन एंड नाउ वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी नाइट। सुरन बाजी ने बुलाया, तो वील गो देर एंड वील हैव फन। डॉगी लोग विल गो इन साइड, डोंट वरी स्किट टू, वंस यू विल ग्रो अप यू गोना लव द डॉग्स, बट नॉट नाउ, है ना। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पकड़ लिया। हेलो, अरे ये देखिए वेस्पा। तो इनके पास एक एंटॉक थी, एंटॉक उन्होंने अपने दोस्त को दे दी किधर, और एक वेस्पा है। किटो बेल मारो बेल, मैं डॉग्स नहीं है ना। जैसे घर पे आया मैं चप्पल बाहर उतर के, चप्पल पहन के, हमारा चप्पल गंदी है, गीली हो जाएगी। बोलते आपको एक व्लॉग वाली चीज़ बताता हूँ, लिटरली व्लॉग वाली चीज़ ही है। चप्पल देखना है, ये देखो चप्पल ऐसे देखो, ये देखो क्या ये, अरे बाप रे बाप, ये क्या है? अपने तो गिर जाए, गिर जाए यार ये तो, ये क्या है? जैसे लड़की लोग का हील ले रहा है भाई, तो गिर जाए कोई पहन के, क्या है? डांस करने के लिए कोई चोच मारे और मार कुछ भाई, तो गिर जाए भाई कोई आदमी, लग जाए उसको यार। बट ये कैसे हो सकता है सैंडल, चलने का पहन के? अरे इस टू एक बार, एक बार चलो ना, कोई मुड़ जाएगा पैर तो। हाइट तो बढ़ गई, लेकिन ऐसा डर भी लग रहा है, ऐसा कुछ पैर मुड़ गया तो टूट जाएगा। किट्टू यू वांट ट्राई किट्टू, तेरे दोनों पैर, तू खुद आ जाएगी उसके अंदर। तो हमारी हो रही है यहाँ पर मूवी नाइट, और मूवी का नाम है द मैन फ्रॉम टोरंटो, टोरंटो। और आज टोरंटो के बाद है, तो कभी ने अपना कनाडा वीजा अप्लाई कर दिया, तो पूरा कनाडा 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 हो रहा है इधर। हम लोग की पिक्चर खत्म हुई और स्काई सो के उठ गए एकदम मस्त नींद। ओह ओके, सॉरी 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 नॉट शेयरिंग यू, डोंट वरी, ही इज आल्सो बोर्न इन कनाडा। हाय कैनेडियन, हाय किड। और ये सॉलिड वाली बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, अभी हमको बाहर जाना है। फिर देखो स्वर्ण बाजी का एसी इतना स्ट्रांग था ना, पूरा लेंस फॉग कर रहा है मेरा। अरे सॉलिड बारिश में, सॉलिड बारिश। गाड़ी के अंदर आ गए हैं, मैं शानिस स्काई और सुरन बाजी ऑल्सो। अभी हम लोग कुछ खाने को जा रहे हैं बाहर। आई मिस दिस लाइफ। ए व्यक्ति क्या बोल क्या रहा है ये? चाइनीज 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 किट्टू चाइनीज।
मुझे तो कुछ देते नहीं हो खाने को, बस चाइनीज। कुछ सालों बाद तू खाना, कुछ सालों बाद।